हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन सिंघा है। आज हम बात करेंगे S3 के बारे में। AWS में S3 क्या है, क्यों है, किस यूज़ के लिए है वो। S3 का पहले हम देखते हैं बेनिफिट क्या है। S3 ये का बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत कम पैसा खर्च होता है। जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पे यू यूज़। ओके, और अवेलेबल में ये है कि अवेलेबल इसमें 99.99% की एबिलिटी है, इसमें अवेलेबल रहता है ये। और सिक्योर, बहुत सिक्योर है ये, एक प्रकार से फायरवॉल की तरह है ये, बहुत सिक्योर है और बहुत आसान है इसको यूज़ करना। आप लोग बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबल है और इंटीग्रेटेड है ये। और S3 में क्या है, S3 का अभी यूजेस क्या है कि क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, तो आपके जो भी है ना कंटेंट स्टोरेज होते हैं आपके, और डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टोरेज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो बहुत ही इजी है ये। ठीक है, कंटेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है ये। ठीक है, जो भी आपके बिग डाटा एनालिसिस है वो S3 में आप करोगे, इसमें यूज़ आएगा ये। स्टैटिक वेब होस्टिंग के आएगा, और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस जो है वो रहेगा, और डाटा रहेंगे इसमें। और इसमें क्या है, और इसमें आपका है बैकअप है, बैकअप एंड अचीविंग है इसमें। ठीक है, अब S3 क्या है, S3 में एक्चुअली क्या है कि S3 एक वेब स्टोरेज टाइप का है, ना कि आपके फाइल सिस्टम टाइप का है ये। एक वेब स्टोरेज टाइप का हम इसको कह सकते हैं S3 को। चलो आप S3 को इंस्टॉल करते, मतलब सॉरी रन करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, S3 में क्या होता है, बकेट्स हमें बनाना पड़ता है। तो फिर अब हम पहले इसको लॉगिन करते हैं AWS.amazon.com। इसको हमने एंटर मारा, इसको हमने लॉगिन करते हैं ऐसे। चलो ठीक है, साइन इन टू द अकाउंट से इसमें क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद ये आपका यूज़र नेम पासवर्ड, ओके मेरा लॉगिन हो गया है, यूज़र नेम पासवर्ड मांगा ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, टाइम बच गया हमारा। यूज़र नेम पासवर्ड देके साइन इन करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको जाना है सर्विस में। सर्विस में आपको यहाँ पर देखो कि स्टोरेज में S3 लिखा हुआ है। S3 में आप जाओगे, S3 में क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुलेगा। जब ये खुलेगा आपके पास, ये विंडो जब खुलेगा, तो इसमें क्या करना है, आपको क्रिएट बकेट करना है। क्रिएट बकेट में जब आप क्लिक करोगे तो ये साइट खुलेगा। इसमें क्या करना है, ओके ये नया वर्जन है ये। ठीक है, एक बार हम देखते हैं इसको पुराने वर्जन में। स्विच टू ओल्ड कंसोल में हम क्लिक करते हैं, ताकि जिसके बाद नया वर्जन नहीं है, नया वर्जन में भी यही होता है और पुराने वर्जन भी यही है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ओल्ड कंसोल जो है वो कंसोल ज़्यादातर लोगों के पास है। ठीक है, इससे मैं इसमें समझा देता हूँ, न्यू में भी मैं समझा दूँगा आपको। पहले हम करेंगे क्रिएट बकेट। क्रिएट बकेट में क्लिक किया, यहाँ पर किस नाम से आपको बकेट बनाना है। नाम वो होना चाहिए जो मतलब यूनिक हो पूरे वर्ल्ड में, मतलब एक आप ही के पास हो, एक प्रकार से डोमेन नेम की तरह होता है, आप ही के पास होना चाहिए, और किसी का नाम और किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं अपने नाम का बनाता हूँ, नवीन सिंघा। ठीक है, मैं .com दे सकते हो आप, लेकिन मैं .com नहीं दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई रीज़न सिलेक्ट करता हूँ, ये रीज़न बेस होता है। तो फिर मैं नॉर्थ कैलिफोर्निया में क्लिक करता हूँ, उसके बाद क्रिएट में क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं एक और बनाता हूँ बकेट, दो बकेट बनाता हूँ, बताऊँगा कि दूसरा बकेट कहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ nabinsingha.org, इस नाम का बनाता हूँ। रीजन में सिलेक्ट करता हूँ, रीजन में थोड़ा सिंगापुर घूम के आते हैं, सिंगापुर का क्लिक करता हूँ और क्रिएट क्लिक करता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले हम नवीन सिंघा में जाते हैं। नवीन सिंघा के इसमें क्लिक कीजिए आप, जब इसमें क्लिक करोगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बकेट ये खाली है बिल्कुल। तो फिर अब हम इसके प्रॉपर्टीज में क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टी में क्लिक करने के बाद खुल जा, ठीक है, प्रॉपर्टी में क्लिक करने के बाद अब ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये पहला है परमिशंस। परमिशन वो होता है कि जैसे कोई आपने, मैंने ऐड परमिशन किया यहाँ पर, अगर कोई मेरा यूज़र होता, ठीक है, कोई भी यूज़र है उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, AWS के यूज़र को ऐड कर सकते हो, और जब भी वो खोलेगा तो वो साइट खोलेगा तो वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, इसलिए परमिशन यूज़ करते हैं हम लोग। तो फिलहाल हमें कोई परमिशन यूज़ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसको कैंसिल क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये है
क्लिक करूँगा, इसमें क्लिक करने के बाद ये डिसेबल है, तो हम इसको पहले इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इंडेक्स है, इंडेक्स डॉक्यूमेंट में हम लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे इंडेक्स डॉक्यूमेंट में जो हम अपलोड करेंगे। याद रखिएगा, जो इंडेक्स को हम अपलोड करेंगे वही हम लिखेंगे। तो फिर मैं को यहाँ पर क्या मैं अपलोड करने वाला हूँ, मैं कर दूँगा INDEX इंडेक्स डॉट HTML और दूसरे में एरर ERROR एरर डॉट HTML, ये दो फाइल मैं अपलोड करने वाला हूँ इसमें। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया ये, और इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद क्या होगा, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब मैं को एक बकेट में अपलोड करना है फाइल को। तो बकेट में अपलोड करने के लिए पहले तो मैं नोटपैड खोलूँगा, यहाँ पर लिखूँगा हाय एवरीवन, मैंने क्लिक किया, हाय एवरीवन मैंने किया ये, इसको मैं सेव कर लेता हूँ HTML, सेव एस में क्लिक करके HTML में सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, डाउनलोड के अंदर गया, इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ INDEX इंडेक्स डॉट HTML एस, और इसको यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ऑल फाइल क्लिक करना है, तभी ये HTML में सेव होगा, नहीं तो वो इंडेक्स डॉट HTML डॉट TXT फाइल में सेव हो जाएगा। तो ऑल फाइल में को सिलेक्ट करना ना भूलिए। ये कर लिया हमने, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, उसके बाद एक और बनाएंगे IAT8 एरर गो बैक। ठीक है, हमने ये एक और बनाया दूसरा, ये एरर के लिए है, इसको सेव एज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ERROR error.html लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो हमने दो फाइल बना लिए, वही ये दो फाइल बनाने के बाद इसको अपलोड करते हैं। अपलोड में क्लिक करते हैं ऐड फाइल, ऐड फाइल में डाउनलोड में जाएंगे, कंप्रेस में जाएंगे, यहाँ पर देखिए दो फाइल होंगे हमारे, ओके पहले से यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो हमारा वाला कौन सा है, आज तारीख कितनी है, 2/26, ये 1 PM, तो ये हमारा नहीं है, हमारा 9 वाला होगा, ये रहा एक, ये हमारा वाला है और ये हमारा वाला है 9 और 9, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर ओपन किया। फिर अब इसको स्टार्ट अपलोड करेंगे, स्टार्ट अपलोड के बाद ये अपलोडिंग हो रहा है, अपलोडिंग होने दीजिए इसका। ठीक है, ये अपलोड हो गया ये। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में याद रखिएगा ये दो जो फाइल है इसी को ही हमें यहाँ पर इंडेक्स में लिखना है। अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो फिर ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये अपलोड हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों फाइलों को हमें मेक पब्लिक करना है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक पब्लिक, इसको क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। अब ये स्टार्ट हो रहा है पब्लिक के लिए, हो गया ये पब्लिक के लिए चालू हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे फिर से और इसको एक बार चेक करेंगे कि क्या कहते हैं ये हमारा मेक पब्लिक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम पहले अनसेलेक्ट करते हैं, अब जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, अब हम देखेंगे साइट में गए और ये है हमारा URL, एंड पॉइंट जो होता है ये हमारा URL होता है, इसको राइट क्लिक किया हमने। ठीक है, राइट क्लिक नहीं हो रहा, कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी किया, उसके बाद यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट एंड गो करता हूँ। पेस्ट एंड गो करने के बाद मेरा पेज चलना चाहिए। ठीक है, मेरा चल गया, हाय एवरीवन आ गया। अब मैं इसमें एरर चेक कर लेता हूँ, एरर हमारा काम करा नहीं कर रहा, स्लैश मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, फिर मैं एंटर मारूँगा तो इट्स एरर गो बैक आ गया ये। ठीक है, हमारा दोनों काम कर रहा है। ठीक है, एक जो हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, अब क्या है, ये लॉगिन, लॉगिन क्या होता है कि आपका जो भी है आपका बकेट है, ठीक है, इसको अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो फिर आपका जो लॉगिन है, इनेबल लॉगिन करने से जितना भी मतलब एक प्रकार से आप जो भी अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, जो कोई भी बकेट में आप करते हो उसको ट्रैक करता है ये। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे नहीं। फिर इवेंट्स, इवेंट्स में क्या होता है, इवेंट्स में आपका SNS अलर्ट भेजता है, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी इसमें तो फिर ये कोई भी अपलोड करोगे या फिर कोई एरर आता है, नहीं चलता है, डिलीट होता है, तो फिर एक SNS में भेजता है। ये SNS का मेरा वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये है,
ये है वर्जनिंग। वर्जनिंग में क्या होता है, वर्जनिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने ये अभी ये किया है, फिलहाल मैं इसको पहले इनेबल करता हूँ, मैं इसको इनेबल करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक्शन के बगल में कुछ भी नहीं है। मैं इसको इनेबल करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करने के बाद ये हो गया ओके। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, एरर को खोलूँगा, तो जब मैं एरर को खोलूँगा, एक क्लिक करूँगा, तो हम देखेंगे ये हमारा जो है, ठीक है ये है। अब इसको हम क्लिक करने के बाद एक और फाइल हम अपलोड करते हैं। एक और फाइल अपलोड करने के लिए अपलोड में हमने क्लिक किया, ऐड फाइल किया, ऐड फाइल करने के बाद हम जाते हैं ऑल फाइल में, एरर वाला लेते हैं, एरर वाले एक और क्रिएट करते हैं। पहले तो हम इस पे जाके कंप्रेस में जाके, ये था हमारा पुराना वाला और ये था हमारा पुराना वाला, इन दोनों को पहले हम डिलीट मार देते हैं, ठीक है। अब इसके एरर को फिर से हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमें कुछ चेंजेस करना है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको सेव एस करता हूँ, सेव एस, और करता हूँ एरर ऑल फाइल एरर डॉट एच टी एम एल करता हूँ मैं, सेव करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ उसे। और दूसरा है मेरा ये, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ नोट पैड, इसको मैं चेंज करता हूँ, एस आई एन जी एच ए सिंगल लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करता हूँ, ऑल फाइल सेलेक्ट करता हूँ और सेव, रिप्लेस करता हूँ इसे, फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। दोनों को समझ लीजिए, आपने कोई भी इंडेक्स और एरर को अपडेट किया हो ये मान लीजिए, फिर यहाँ पर जाके मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के F5 दबा के रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के बाद मैं इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को फिर से सिलेक्ट किया, फिर ओपन किया मैंने, फिर स्टार्ट अपलोडिंग कर दिया, फिर से अपलोड हो रहा है ये, ठीक है ये अपलोड हो गया। अब इन दोनों को फिर से सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और मेक पब्लिक, ठीक है ये भी कंप्लीट हो गया, मेक पब्लिक हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वर्जनिंग का मैं बताऊंगा आपको। इसको हम चेक कर दीजिए, ऑल पकेट में जाइए पहले, फिर नवीन सिंघा में फिर से जाइए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्जनिंग में, वर्जन्स में ये आ गया हाइड और शो। मैं अगर मैं शो में क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि लास्ट टाइम जो मैंने किया था अपलोड, वो किया था 21, एरर फाइल जो किया था 21 9 माने 9 2 पे मैंने अपलोड किया था, सेकंड फाइल मैंने किया अपग्रेड करके 9 7 पे। तो ये आपको लॉक्स फाइल बनाता है, ये इसमें काम आता है ये, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, वर्जनिंग में यही होता है और हर समय अपलोड करता रहेगा। अगर आपको इसको करना है डिसेबल तो डिसेबल नहीं होता है ये, सीधा सस्पेंड होता है ये, सस्पेंड करोगे तो फिर हमें लॉग फाइल नहीं बना के दिखाएगा ये, ओके। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइफ साइकिल में आपको कुछ भी ऐड करना है, मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ऐड रूल, जो भी ऐप का रूल ऐड करते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ लाइफ साइकिल क्यों काम आता है। जैसे कोई आपने ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया, जैसे मैंने ये दोनों किया, जैसे जैसे ये पुराने होंगे वैसे वैसे आपको इसको देना पड़ेगा कि जैसे एक साल हो गया, एक साल तक ये मेरे को चाहिए, फिर कोई दूसरे में स्टोरेज में चले जाए, फिर एक साल के बाद, उसके बाद वहाँ पर 6 महीना रहे। जैसे हमारा कोई वो है TDS होता है, TDS मान के चलते हैं हम लोग, एक साल तक हमें बिल चाहिए होता है, एक साल के बाद हम चाहते हैं कि उस बिल का अगर काम नहीं होता तो हम लोग उसको स्टोर रूम में रख देते हैं। वैसे ये लाइफ साइकिल में ऐसे ही होता है कि स्टोर होता है, स्टोरेज टाइप का, वहाँ पर हम लोग रख देते हैं, वहाँ पर 6 महीना रहेगा, 6 महीने के बाद वो डिलीट हो जाएगा, तो उसको हम रूल देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग उसके लिए ऐड रूल में क्लिक करेंगे, होल बकेट में आप सिलेक्ट कीजिए, या तो एक पर्टिकुलर में करना है तो इसमें सिलेक्ट करके कर सकते हैं, तो फिलहाल तो मेरे को होल बकेट में करना है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर मैं इसको रखूँगा, यहाँ पर मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, मेरे को कितने दिन के लिए चाहिए ये, 30 दिन के लिए, मिनिमम आपका 30 दिन रहता है, 30 दिन से कम मत कीजिए तो वार्निंग आ जाएगा, 30 दिन है, 30 दिन के बाद आप इसको कितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको क्लिक कीजिए, ये फिर एक ग्लेशियर में चले जाएगा, ग्लेशियर स्टोरेज में 60 दिन के लिए होता है, 2 महीने के लिए होता है, तो आप इसको आप कर दीजिए 1 साल के लिए, अगर इंपॉर्टेंट फाइल है तो 1 साल के लिए,
उसका इसको कर दीजिए आप 6 महीने के लिए। उसके बाद एक्सपायरी, एक्सपायरी माने वो कब डिलीट होगा, डिलीट करने के लिए आपका दे आप इसमें कर दीजिए कब वो डिलीट होगा। पहले ये प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएगा, उसके बाद ये बिना क्लाइंट के पूछे ये कभी मत कीजिए। पहले अगर आपको ये सेट करना है, पहले सेट कर दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आप इसको सेट कीजिए, सेट करने के बाद ही इसको चलाइए, अदरवाइज रन मत कीजिए। जैसे ही आपने ये सेट कर दिया, ये सेट करने के बाद ये आपका जो है एग्ज़ाम्पल, इसको आप अपने क्लाइंट को पहले देंगे। क्लाइंट अगर अप्रूव करेगा कि हाँ भाई ये ठीक है, तब जाके आप इसको रिव्यू करिए, रिव्यू करके इसको क्रिएट रूल कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए इसे। क्लाइंट से बिना पूछे इसको बिल्कुल टच ना कीजिए, नहीं तो क्लाइंट का कोई डाटा उड़ जाएगा तो आपकी जॉब उड़ जाएगी। ओके, ये है, तो फिलहाल इसको हम करते नहीं हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रॉस, ये है क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे ये मेरा नवीन सिंघा है, नवीन सिंघा का सेम कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी हम दूसरे रीजन में चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। रिप्लिकेशन, क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन के लिए पहले तो आपको वर्जनिंग है, वर्जनिंग आपका इनेबल होना बहुत ज़रूरी है पहली बात, उसके बाद ही ये इनेबल होगा। अगर आपका वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो फिर इनेबल करने के लिए बोलेगा, वर्जनिंग को इनेबल करने के लिए, तो फिर हम क्रॉस रिप्लिकेशन करते हैं, तो फिर इसको मैं इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे मुझसे ये पूछ रहा है दिस पकेट, मैंने कहा हाँ मेरे को यही पकेट करना है। यहाँ पर जाके मैं जाऊँगा, यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट करूँगा, आपने देखा होगा पहले, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इसको करता हूँ राइट क्लिक, न्यू करता हूँ, न्यू मैं आपको दिखाता हूँ, खुल जा रहे, खुल जा रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखें, ये हमने नया बनाया था, दो बनाया था हमने, नवीन सिंघा और नवीन सिंघा डॉट ओ आर जी। इसमें ओ आर जी में हम जाते हैं, और ओ आर जी में हम जब गए तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो अब हम फिर से यहाँ पर जाते हैं, और ये हमारा कहाँ पर बना था, सिंगापुर हम लोग गए थे ना, हाँ सिंगापुर में हमने ये बनाया था, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस इसमें, ये शायद हमने कहाँ पे बनाया था ये याद ही नहीं, ठीक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये इम्पोर्टेंट है क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन में, हमें ये इतना पता होना चाहिए कि ये पकेट कौन से रीजन में बना था, इसका भी हम बता देंगे, बैक जाओगे तो आपका पता चल जाएगा कौन से रीजन में बना था। तो फिर इसको यहाँ पर आप रीज़न सेलेक्ट करोगे, तो हम सिंगापुर गए थे, उसका सिंगापुर में हमने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको देखेंगे यहाँ पर नवीन सिंघा डॉट ओ आर जी का आ गया, उसका हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसमें सेम सोर्स हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, या फिर स्टैंडर्ड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं हम लोग उसको स्टैंडर्ड में लेते हैं। फिर उसके बाद IAM रोल आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्रिएट IAM रोल हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक IAM रोल में जब क्लिक किया, न्यू काउंसिल में आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आप बस क्रिएट IAM रोल कर दो, वहाँ पर वैसे ही क्रिएट हो जाता है वो, ठीक है ये हो गया। फिर यहाँ पर जाके आप इसको अलाउ कीजिए, मैंने इसको अलाउ कर दिया, अभी हम वापस आएंगे, फिर हमारा ये सेव करने के लिए बोल रहा है, ये हमारा रोल बन गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, जब मैं सेव कर दिया है ओके, इसको इनेबल करने से पहले हम लोग जाएंगे सिंगापुर, सिंगापुर वाले बकेट में पहले हम इसका वर्जनिंग इनेबल करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम और वर्जनिंग को हम पहले इनेबल करेंगे, इनेबल ओके, अब हमारा इनेबल हो गया, अब जाके आप इसको सेव कर सकते हैं, हम इसको सेव किया, अब ये हो गया सेव। अब हम देखते हैं कि वर्जनिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर जाके आपको सिर्फ एक बार रिफ़्रेश करना है, देखिएगा यहाँ पर एरर और इंडेक्स दोनों फाइल अपलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिक, इसको रिफ़्रेश करते हैं, फिर अभी तक आया नहीं, ठीक है हम इसमें जाते हैं पुराने वाले में, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसको, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा आता है डिटेल में कि रिप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर इसका डिटेल हम देख लेते हैं, रिप्लिकेट हुआ है या नहीं किया है, रिड्यूस ओके, नेम 30 30, एरर टेक 30, परमिशंस में एवरीवन है
ठीक है, इसमें ये आ गया टैग, टैग में ये आ गया। ओके अब हम फिर यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, आया नहीं आया। अगर ये नहीं आएगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जाके फिर से आप इसको ऐड कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी होता है कि एरर आ जाता है, तो फिर ये होता नहीं है, तो इसको मैं पहले डिलीट मार देता हूँ। डिलीट मारा मैंने इसे, इंडेक्स को मैंने डिलीट मार दिया। अब मैं स्टार्टिंग हो रहा है डिलीट का, ये बार कंप्लीट होने दीजिए। कंप्लीट के बाद मैं इसको फिर से ऐड करूँगा एरर को, ऐड हो जाओ भाई। ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब मैं अपलोड में जाता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ, एरर फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और इसको, ठीक है आ गया, इसको राइट क्लिक करके मेक पब्लिक करता हूँ। ओके अब ये मेरा पब्लिक हो गया, स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है डन हो गया हमारा। अब ये रिप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है ये एरर आ गया। अब मैं इसको पुराने वाले को जो इंडेक्स है इसको भी रिप्लिकेट करवाता हूँ, कभी कभी एरर आ जाता है तो फिर आप इसको मैनू फिर से आपको डिलीट करके फिर से रन करना पड़ता है। ठीक है, इसको डिलीट मारा, अपलोड, ऐड, इंडेक्स, ओपन, स्टार्ट और ये ऐड हो गया यहाँ पर, राइट क्लिक, मेक पब्लिक, ओके और ये हमारा स्टार्टिंग है डन। डन के बाद यहाँ पे जाके इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, हमारा इंडेक्स भी आ गया। तो एक्चुअली ये बिल्कुल जो भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करोगे आप, वो सेम टू सेम रिप्लिकेट होके यहाँ पर आ जाता है, तो सेम टू सेम कॉपी आएगा, डिट्टो कॉपी आएगा इसका, तो ये रिप्लिकेट होता है। लेकिन आप इसको रिप्लिकेट करके किसी और बकेट में नहीं डाल सकते, वो काम नहीं करेगा, वो मैं R&D करके देख चुका हूँ, वो काम नहीं करता है। ऑप्शन आता है लेकिन वो काम नहीं करता है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम जाते हैं इसको अनचेक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, खुल जा भाई खुल जा। अब क्या है हमारा टैग, टैग्स क्या होता है सॉरी टैग्स में क्या होता है, जैसे कोई आपका ये है बकेट है, बकेट में कितना कितने रुपए आपके लगे, कितना यूज़ कोई यूज़ कर रहा है उसे, तो डाउनलोड और अपलोड में कितने रुपए खर्च हुए और जो साइज़ है उसमें कितने रुपए लगे, वो सबको टैग करने के लिए काम आता है। टैग से आप इसमें क्लिक करेंगे, टैग में कोई भी नाम ले लीजिए, यहाँ पर मैं कोई भी नाम ले देता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि हाँ भाई मेरा ये टैग है, इस की में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, की नंबर की नेम है ए में हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, ये हमें मेल आ जाएगा, तो इससे हमें मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई क्या कहते हैं ए में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो फिर ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर कोई एक्सेस नहीं कर रहा तो फिर और मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है, तो ये सब आप इसमें पता लगा सकते हैं, एक्यूरेट कितने रुपए होता है ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, टैग में हम काम नहीं करेंगे, वैसे टैग की ज़रूरत नहीं है हमें। अब रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट पे तो आप तो जानते होंगे रिक्वेस्ट पे में क्या होता है, तो फिर रिक्वेस्ट पे क्या होता है, अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो कोई भी एरागरा बंदा आपका साइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और क्या होगा कि जितना आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से पेमेंट मतलब इसका बिल जनरेट होगा, और कोई भी जिसको आप जानते नहीं हो वो आपका ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो नहीं तो फिर अगर कोई भी, अगर दुनिया से कोई भी हमारा एक्सेस करेगा तो फिर वो ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं हमारा, हमने कोई ईमेल डाल दिया वो देख रहा है, ठीक है, लेकिन बिल तो फिर हमारा कटेगा ना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो फिर इसको हम डिसेबल ही देंगे। उसके बाद है ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो क्या होगा कि मान लीजिए स्पीड थोड़ी आपको कम लग रही है कि यहाँ पे कम आ रही है अपलोड एंड डाउनलोड का स्पीड थोड़ा कम आ रहा है, और आपके पास लीज लाइन है जिसकी स्पीड बहुत हाई रहती है, तो फिर मैं इसको इनेबल करने के बाद क्या होगा, इसका 300% इसका स्पीड फास्ट हो जाएगा, अपलोडिंग डाउनलोडिंग फास्ट हो जाएगी, एक्सेस जो भी करेगा इसमें बड़ी जल्दी होगा, उसको फुल स्पीड मिलेगी, तो इसके लिए करता है। लेकिन भाई इसमें बिल आपका ज़्यादा लगेगा। और ये है स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट आपका नया आया है, जो आपको जो भी है नया लुक है, इसमें न्यू कंसोल है एक प्रकार से,
जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब आया था, जब मैं S3 में आया था, तो फिर वो न्यू कंसोल था, वैसे ही है ये, तो इसमें न्यू कंसोल में जाने का है वो रास्ता, ठीक है। अब मैं इसको पुराने वाले में, ठीक है, ये हमारा कैलिफोर्निया में हमने बनाया था, नवीन सिंगा, ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा S3 में हमारा इतना ही है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर मैंने जल्दी जल्दी बोला है, तो फिर पॉज करके आप देखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।